हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर सीरीज फंडा ऑफ द डे तो हम न्यू एनसीआर टी के 50 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं ये 50 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक टॉपिक आपको गारंटी चार मार्क्स दिलवाने वाला है आपके मेन एग्जामिनेशन में, में ऐसी चीज़ों को मत छोड़ो साथ साथ में रिवाइज करते रहो जो चैनल पर न्यू है वेलकम टू द चैनल वेलकम टू फंडा बॉक्स माय नेम इज़ नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर हम न्यू एनसीईआरटी के 50 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं हर सुबह सात बजे अलग नोटबुक बनाकर रखना और इनको साथ साथ में लिखते रहना ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपके पास कुछ अच्छा मटेरियल रेडी हो और तब आप टाइम वेस्ट ना करें हमने पहले टॉपिक में ग्लाइकोलिस स्टडी किया था तो उसमें काफी सारी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन और है ना एंजाइम्स का नियम आ जाता है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ऑल तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या याद रखना है क्या क्या याद नहीं रखना फिर भी टू गिव योर माइंड सम रेस्ट आज हम थोड़ा इजी टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक आता है आपका सेकंड चैप्टर इलेवेंथ क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक विच इज वायरस वायरोइड्स प्रियॉन्स एंड लाइक है ना तो ये हमारे पास जो न्यू एनसीईआरटी के हम फिफ्टी टॉपिक्स कर रहे हैं उसका फंडा नंबर टू है ठीक तो है तो अगेन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पर हम उस पैटर्न पर बेस्ड ये टॉपिक स्टडी करें जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस पूरे चैप्टर में ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन अगर आए हैं तो इस टॉपिक से आए और इसमें आप जानते हो साइंटिस्ट का नेम मेजरली साइंटिस्ट का नेम ईयर हो गया है ना क्या कौन सी डिसीज कॉज करें यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिले या आगे भी देखने को मिल सकते हैं सिंपल सा टॉपिक है इजी सा टॉपिक है आराम आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आप देखना आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओगे तो चार अलग अलग चीजें हैं वायरस है वायरोइड्स हैं है, प्रियॉन्स और लाइकन है वायरस समझ में आ गया बाकी तीनों बहुत छोटे होते हैं ठीक है ठीके? तो हम शुरुआत कर रहे हैं किससे वायरस से अब क्या चीज आपको वायरस के बारे में ऑलरेडी पता है या जो थोड़ी बहुत आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए तो हम चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसके अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें आर एच विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया कि इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको आप पांच किंगडम के अंदर डिवाइड कर सकते हो ठीक है हमारे पास मोनेरा है हमारे पास प्रोटेस्टा है हमारे पास फंगस है हमारे पास प्लांट है हमारे पास एनिमिलिया है ये पांच किंगडम बताने के बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि है वायरस वायरोइड ट्रियोन्स और लाइकन ये हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हम स्पेशली अगर मैं वायरस से शुरुआत करूं हम इनको किसी भी किंगडम में ना क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन एनी किंगडम सबसे पहली चीज हम इनको किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि जब हम वायरस को पढ़ते हैं या जब हम वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें ये ए सेल्युलर मिल रहा है जैसे एक सेल का स्ट्रक्चर होता है बाहर एक क्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं चलो मान लेते हैं ऑर्गेनल्स हो भी सकते हैं ऑर्गेनल्स नहीं भी हो सकते बट एटलीस्ट एक मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटीरियल इतनी चीजें तो वायरस के पास वो भी नहीं है कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है कोई साइटोप्लाज्म नहीं है तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको यूनिसेल्युलर माने मल्टी सेल्युलर माने किस में क्लासीफाई करें ये सेल है ही नहीं एसेल्यूलर है वायरस को लेकर तो अभी तक हमारे पास एक डिबेट चलती है कि आखिर ये ऑर्गेनिज्म लिविंग भी होते हैं या फिर ये डेड है क्योंकि दो तरीके से हमें ये मिलते हैं जो हमारे पास वायरस होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी एक टर्म यूज़ करती है बेटा कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है एक वर्ड यूज करती है क्या कि ये ऑब्लीगेट पैरासाइट है क्या मतलब? कि पैरासाइटरी किसी ना किसी होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये पहली इंपॉर्टेंट चीज आई है जहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ये चीज आपको याद रखनी है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है कहने का मतलब दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट क्या ये समझने में कोई दिक्कत है बेटा सिंपल सी चीज है सिंपल सी बात हम कर रहे हैं कि किसी ना किसी होस्ट की बॉडी के अंदर ये रहते तो ऐसा देखा जाता है कि जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं तब ये अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लीकेट करते हैं है, है ना तब ये अपना डीएनए एन रेप्लीकेट करते हैं ये आर एन ए जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट की मशीनरी यूज करके रेप्लीकेट करेंगे तब तो ये लिविंग है लेकिन जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के बाहर आते हैं आप इन्हें क्रिस्टलाइज करते हो इनर्ट क्रिस्टल्स के फॉर्म सिर्फ प्रोटीन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता तब हम इन्हें लिविंग कंसीडर ही नहीं कर पाते इसीलिए वायरस को लेकर अभी तक ये डिबेट चलता है कि इन्हें लिविंग मानना है या इन्हें डेड मानना है और इसीलिए हम इसे किसी भी किंगडम में भी क्लासीफाई नहीं कर पाते ठीक है ऑब्लिगेट पैरासाइट है होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं दे यूज दे यूज होस्ट मशीनरी जिस भी होस्ट के अंदर रह रहे हैं चाहे किसी प्लांट को अटैक किया है चाहे किसी एनिमल को अटैक किया है चाहे किसी बैक्टीरिया को अटैक किया है उस होस्ट की मशीनरी का ही यूज करेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लीकेट करने के लिए देखो कितने ज़्यादा मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंडेंट है खुद का जेनेटिक मटेरियल रेप्लीकेट करने के लिए होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं उसकी बॉडी से एंजाइम्स उधार मांगते हैं उसके सेल की जो एटमोसफेयर है उसके साइटोप्लाज्म का यूज कर कर वहां पर एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं खुद का डीएनए रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि जब ये बॉडी के बाहर होते हैं जब ये होस्ट के बाहर होते हैं तो ये कोई ऐसे काम नहीं कर पाते तो हम क्या कह रहे हैं ये लिविंग सिर्फ तब है जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर है और इतने ज्यादा सेल्फिश है होस्ट की बॉडी यूज करेंगे उसका एनवायरमेंट यूज करेंगे खुद का जेनेटिक मटीरियल रेप्लीकेट करते हैं और होस्ट को ही कोई ना कोई डिसीज कोस कर देते हैं और बहुत जगह तो ये होस्ट की डेथ भी कॉज कर देते हैं तो ये फुल ऑन सेल्फिश है लाइसिस कर देंगे, उनके सेल कर देंगे देंगे उनके उनके सेल सेल खत्म की मशीनरी यूज करेंगे खुद का जेनेटिक मटेरियल करने के लिए जो दूसरी चीज मैंने यहां पर लिखी बेटे कि हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि डेड है हम क्या कह रहे हैं कि डेड भी है लिविंग हमको समझ में आ गया कि होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं तब ये लिविंग होते हैं डेड कब होते हैं जब आउटसाइड होस्ट होते हैं क्योंकि ये ऑब्लीगेट पैरासाइट है अगर ये किसी के शरीर के अंदर रह रहे हैं आपकी बॉडी में इन्होंने अटैक किया तो ये जिंदा है बेटा लेकिन अगर ये बॉडी के बाहर है आप इन्हें करते हैं तो ये इनर्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोटीन की कवरिंग या एक प्रोटीन ऑप्टेन होता है बाकी कुछ भी लिविंग इनके अंदर नहीं है तब हमें लगता है ये डेड है तो ये डिबेट अब तक गोइंग ऑन है कि वायरस को आप लिविंग मानेंगे या आप डेड मानेंगे तो बेसिक सी चीज हमको समझ में आती है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है छोटे से हैं अटैक कर रहे हैं डिसीजेज कोस कर रहे हैं इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए जिंदा रहने के लिए अदरवाइज ये हमें इनर्ट क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं आज हम वायरस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वायरस का स्ट्रक्चर हम अच्छे से जानते हैं हमें पता है कि वायरस कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है साइटोप्लाज मेमब्रेन न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स कुछ भी नहीं है वायरस ले देकर सिर्फ दो ही चीज़ों का बना होता है एक आउटर इनके पास प्रोटीन कोट होता है जब मैं इसको बाहर क्रिस्टलाइज कर रही थी जो क्रिस्टल्स हमें मिल रहे थे वो इसी प्रोटीन कोटिंग के मिल रहे थे तो सिर्फ दो चीजों का मिलकर वायरस बना होता है पहली चीज है कि बाहर उसके पास एक प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है और दूसरी चीज़ है कि अंदर की तरफ एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा कोई साइटोप्लाज नहीं है बेटा कोई एक्टिविटीज करने के लिए एरिया नहीं है कोई ऑर्गेनल नहीं है कोई न्यूक्लियस नहीं है कुछ भी तो नहीं है बाहर एक कवरिंग दे दी वो कवरिंग प्रोटीन की बनी हुई है एक्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी कोई कवरिंग भी नहीं है कि मैं कहूँ सेमी फ्लूइड और एकदम इलास्टिक बढ़िया हमारे जैसे सेल है नहीं बस एक प्रोटीन की कवरिंग होगी और अंदर जेनेटिक मटीरियल होगा और ये दो चीज़ें मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन गया जो कि वायरस है और कितनी तबाही मचा रहा है कोविड के टाइम में हमने देखा था है ना तो तो इतना हम जानते हैं इसी तो इसी प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ दो ही चीजों का मिलकर बना होता है बाहर अगर हम बाहर से देखेंगे तो उसके पास एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइज करने पर हमको यही मिलता है और सेंटर की तरफ हमारे पास क्या होता है जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है ठीक है जो बाहर की तरफ प्रोटीन कोट वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है कैप्सिड कैप्सिड बहुत सारी सब यूनिट्स का मिलकर बना होता है बच्चे और इन सब यूनिट्स को आप क्या कहते हो कैप्सोमियर्स जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उनको मेंशन कर रही मैं नाम प्लीज साथ साथ में याद करके जाना बाहर की तरफ एक प्रोटीन कोट है क्या कहते हैं कैप्सिड नाम क्या है कैप्सिड कैप्सिड बहुत सारी सब यूनिट्स का बना होता है जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स अब शेप की बात आती है तो एनसीआर लिख रही है कि जियोमेट्रिकल है पॉलीहेड्रल है ना अलग अलग शेप यहाँ पर प्रेजेंट है जियोमेट्रिकल है कोई ना कोई शेप्स प्रेजेंट है और वो शेप कोई फिक्स नहीं है अलग अलग शेप्स की यूनिट्स हो सकती हैं प्रोटीन कोटिंग की तो पोली है है ना पोली है कि फिक्स नहीं कहेंगे कि तीन ही साइड्स है फोर ही साइड्स है फाइव ही साइड्स है पोली है अलग अलग शेप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है वही बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तो एक पूरा पैराग्राफ जेनेटिक मटेरियल को डेडिकेटेड एनसीईआरटी बताती है मैंने सारी चीजें ना पॉइंट्स में आपके लिए ले आई हूं क्योंकि पैराग्राफ में याद नहीं रहता पॉइंट्स में याद रहता है पॉइंट बाय पॉइंट मेरे साथ ही इनको याद करते जाना कुछ वायरस जैसा है जिंदा है या मरा हुआ पता नहीं पर किसी होस्ट के अंदर रहता है दो चीजों का मिलकर बना है बाहर एक कवरिंग होती है जो कि प्रोटीनेशियस होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं जिसकी सब यूनिट्स को कैप्सोमियर कहते हैं क्लियर है अंदर की तरफ हमने देखा तो जेनेटिक मटीरियल है अब जेनेटिक मटीरियल तो डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटीरियल तो आरएनए भी हो सकता है तो वही चीज यहां पर कही है कि वायरस के अंदर भी जब हम जेनेटिक मटेरियल देखने लगे तो अलग अलग वायरस में हमें डीएनए भी मिला जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी मिला जेनेटिक मटेरियल लेकिन एनसीआर लिखती है नेवर बोथ

जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को कर रहा है तो उनमें अक्सर ऐसा देखा गया कि ऐसे वायरस अगर आप निकाल के देखोगे तो उनमें तो उनमें सिंगल स्टैंडर्ड क्या प्रेजेंट होता है बेटा उनमें सिंगल स्टैंड प्रेजेंट होता है हमने ऐसा देखा है कि अगर मैं उन वायरसेस की बात करूं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जनरली क्या है उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए अगेन एनसीईआरटी की लाइन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा में कुछ भी यहां पर नहीं लिख रही हूं बस सिर्फ एनसीईआरटी ताकि आप उतना याद रखें और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ठीक है तो हमने क्या देखा प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है उसका जेनेटिक मटीरियल क्या है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए का बना हुआ है अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है इसमें एक हमारे पास एक्सेप्शन आता है और एक्सेप्शन क्या है इसमें एक हमारे पास एक्सेप्शन आता है और एक्सेप्शन क्या है वायरस एक्सेप्शन क्या है बेटा कोलीफ्लार मोजैक वायरस कोलीफ्लार में मोजैक uh, डिसीज करने वाला जो वायरस है सी एफ एम पी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सी एफ एम पी इसकी शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है इस वायरस को जब हमने निकाल के देखा तो इसके अंदर हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिला जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर बिल्कुल सेम इनका जब हमने डीएनए देखा कोलीफ्लावर मोजैक वायरस का जब हम जेनेटिक मटेरियल स्टडी कर रहे थे तो जैसा हम ह्यूमंस में होता है हमें वैसा इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिला इनका जेनेटिक मटेरियल बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तो ये एक्सेप्शन प्लीज याद रखना हमने क्या देखा वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें हमें अक्सर सिंगल स्टैंडर्ड आर मिलता है लेकिन एक एक्सेप्शन है पॉलीफ्लार मोजैक वायरस उसके अंदर हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है दूसरी कैटेगरी होगी दूसरी कैटेगरी होगी उन वायरस की जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस इनफेक्टिंग एनिमल्स है ना कुछ वायरस ऐसे भी होंगे हमारे पास जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे जैसे कि हमको इन्फेक्ट करते हैं तो उनके लिए एनसीआरटी लिखती कर रहा है उसके अंदर कोई भी वेरायटी आपको मिल सकती है डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो सकता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए भी होता है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, है। इनमें से प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो सॉरी डीएनए प्रायरिटी की अगर हम बात करें डीएनए लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप रेट्रो वायरस ले लो आप राइनो वायरस ले लो पोलियो ले लो मीजल्स ले लो ये सारी डिसीज हमारे अंदर जो वायरस करते हैं उन सब के अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल जाए ठीक है तो ऐसा कुछ फिक्स याद नहीं रखना ऐसा कुछ फिक्स क्वेश्चन नहीं आएगा इतना पता होना चाहिए क्योंकि एनसीआरटी लिखती है कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में अक्सर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है और उसका एक एक्सेप्शन है लेकिन वही एनिमल की बात करूं तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है डबल स्टैंडर्ड आर भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी आपको देखने को मिलता है हाँ कुछ एक्सेप्शन या कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि अगर मैं बात करूँ रेटरो वायरस हो गया राइनो वायरस हो गया है ना कॉमन कॉल्ड कर रहा है जो डिसीज अच्छा फिर आपके पास मीजल्स करने वाला वायरस हो गया पोलियो करने वाला वायरस हो गया इनके अंदर जब हमने देखा तो हमें सिंगल स्टैंडर्ड आर देखने को मिला तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया जहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आर आपको देखने को मिल जाता है वायरस था दो चीजों का बना हुआ था हमने देख लिया वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो भी देख लिया वो वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो भी देख लिया लेकिन वायरस बहुत कमाल की चीज है बेटा सिर्फ प्लांट और एनिमल नहीं वायरस तो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है और वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ऐसे वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज तो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया वो वायरस जो हमें पता है कि स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के सरफेस पर बैठेगा और बैक्टीरिया के अंदर डिसीज कोज करेगा उसकी मशीनरी यूज करेगा अपना डीएनए एप्लीकेट करने के लिए और उसको ही तोड़ देगा ऐसे वायरस को कहते हैं ऐसे वायरस को क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेज ये तो नाम पहली बात आपको याद रखना है बैक्टीरियो फेज जब हमने देखा तो ये एक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाया गया अब एनसीआरटी का डायग्राम है डायरेक्ट लेबलिंग आपके पास आ सकती है इसलिए एनसीआरटी का डायग्राम आपको याद रखना है कोई भी वायरस किस चीज का बना होता है दो ही चीजों का मिलकर बना होता है बाहर एक प्रोटीन कोट होगा अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसका प्रोटीन कोड थोड़ा डिफरेंट सा हमको दिखाई दे रहा है जैसे आप यहाँ पर ये शेप देख पा रहे हैं पोलीहेड्रोल शेप देख पा रहे हैं जो कि इसका हेड बना रहा है ये क्या है बेटा ये कुछ नहीं कैप्सिड ही तो है ये जो प्रोटीन कोट है ये प्रोटीन की कवरिंग ये कैप्सिड ही है और इसी कैप्सिड के अंदर इसी के इनसाइड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा यहीं पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा लेकिन इस वायरस ने अपना बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है इसने यहां पर प्रेजेंट होता है कॉलर हेड के नीचे क्या प्रेजेंट है ढंग से देखना हेड के नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट है कॉलर रीजन प्रेजेंट है लेबलिंग सारी आनी चाहिए तो कॉलर के नीचे क्या है नेक नेक की कवरिंग को क्या बोला है शीत ये सेम डायग्राम क्लास ट्वेल्थ में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मिलता है सुन लो ये सेम डायग्राम क्लास ट्वेल्थ ह्यूमन वेलफेयर में मिलता है है थोड़ी सी लेबलिंग लेबलिंग वहां पर पर अलग होती है। पर आप इसी चैप्टर की याद रखना आपका काम चल जाएगा तो हमने क्या देखा हमें पता था दो तो ही चीजें होनी चाहिए प्रोटीन कवरिंग होनी चाहिए अंदर जेनेटिक मटीरियल होना चाहिए इतनी बात हम समझते हैं लेकिन इनकी प्रोटीन कवरिंग अलग अलग पार्ट में है ना हमें हेड अलग दिख रहा है हमें नेक अलग दिख रहा है हमें टेल फाइबर अलग दिख रहे हैं तो जो प्रोटीन कोटिंग की आप बात करें बेटा वो यही रीजन है हेड है आपके पास पॉलिस ड्रल आपको तो दिख रहा है जिसे आप कैप्सिड भी कह सकते हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होगा हेड के नीचे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ये वायरस किसी बैक्टीरिया मान लेते हैं रोड शेप बैक्टीरिया है है मेरे पास ये अब ये बैसिलस अब वाला हेड पर आकर सीधा नहीं बैठता इसने अपना इंतजाम कर रखा है इसने अपने नीचे रखी है कॉलर जिसके नीचे नेक है कवरिंग है शीत की एक बेस प्लेट बनाई है ये जो प्लेट आपको यहाँ पर दिख रही है ना बेटा इसको बेस प्लेट कहते हैं और बेस प्लेट से ओरिजिनेट होते हैं बहुत सारे टेल फाइबर्स ये टेल फाइबर्स का यूज करता है अपना जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करने के लिए को यूज करेगा बैक्टीरिया के पर खुद को प्लेस करने के लिए और यहां से जेनेटिक बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करेगा। जो आपके पास वायरस है वाईरस के पास कॉलर है, नेक है, फिर उसने यहां पर टेल फाइबर्स क्यों रखे हुए हैं बेटा वो टेल फाइबर्स की मदद से बैक्टीरिया के सरफेस पर चलेगा है ना अपनी पोजीशन बनाएगा पोजीशन बनाने के बाद ये जो इसके पास शीत है नेक है यहां अंदर इसके पास जेनेटिक मटीरियल है यहां अंदर इसके पास जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को कहा भेजना है बैक्टीरिया के अंदर तो यहां से बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया जाएगा टेल फाइबर्स की मदद से वो प्लेस करेगा अपने आप को बैक्टीरिया के सरफेस पर और ये पीवाई है इनका पॉइंट क्या है इनका रीजन क्या है क्यों टेल फाइबर्स प्रेजेंट है क्वेश्चन आया हुआ है उनकी मदद से ही ये आपके बैक्टीरिया के सर्फिस पर खुद को प्लेस करता है और जेनेटिक मटीरियल इंजेक्ट करता है प्रोटीन कोट है कैप्सिड समझ में आता है दूसरा क्वेश्चन है जेनेटिक मटीरियल जो प्रेजेंट है अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अंदर जेनेटिक मटीरियल लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनका जेनेटिक मटीरियल कैसा है मन। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है डीएनए है या आरएनए है तो बेटा डीएनए है और याद रखना डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है ये बात आपको बैक्टीरियो फेज में याद रखनी है वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं टेल फाइबर्स की मदद से बैक्टीरिया के सरफेस पर वॉक करेंगे बैक्टीरिया के सरफेस को पहचानेंगे बैठेंगे और अपने कॉलर नेक वाले रीजन से जेनेटिक मटीरियल उनके अंदर इंजेक्ट करेंगे ठीक है ठीक है जेनेटिक मटीरियल क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इतनी बात हमको यहां पर याद रखनी है ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है डिस्कवरी ऑफ फायर सब एक पैराग्राफ है दो इमेजेस बनी हुई एनसीआरटी में उसके नीचे एक पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ तीन साइंटिस्ट का नाम एक साथ आएगा जो वायरस की डिस्कवरी में जिनका रोल आपको दिखाई देगा और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वायरस क्या है क्या नहीं है कैसा दिखता है कितनी वैरायटी है कैसा जेनेटिक मटेरियल है आपने सारी वैरायटीज डिस्कस कर ली अब आता है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चला वायरस की डिस्कवरी कैसी हुई तो एक डिसीज है जो कि प्लांट को हो जाती है इज है ना सबसे पहले इस डिसीज की जब डिस्कवरी हो रही थी वहां से वायरस की डिस्कवरी हुई का क्या नाम था टोबैको मोजैक डिसीज आज के टाइम में हम जानते हैं कि जो वायरस इस डिसीज को करता है उसको टोबैको मोजैक वायरस नाम दे दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है टीएमवी में लिख देती हूँ उसका नाम क्या है टोबैको मोजैक वायरस और इसी वायरस की इमेज एनसीआरटी ने भी दी हुई है जो मैंने यहां पर भी ड्रॉ है जहां से क्वेश्चन आने का चांस है तो साइंटिस्ट थे सबसे पहले ईयर में यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था डी जे एवेनॉस देखो ये कुछ कुछ गड़बड़ है जिनके पास बहुत ही पुरानी एनसीआर है उन्होंने डी मित्री एवेनोस देखा होगा उन्होंने अलग टर्म देखी होगी पहली बात तो नया एडिशन ले लेना चाहिए था पिछले साल ही और अब तो न्यू एनसीआर आ गई और भी चीजें ऐड और डिलीट हुई हैं लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये वायरस वाला पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है रैशनलाइज कंटेंट से भी डिलीट नहीं हुआ ये तो हमारे पास है तो और ये सिमिलर पैराग्राफ भी हमारे पास है और क्योंकि इससे क्वेश्चन आया तो इतना तो हम पढ़ेंगे क्या है ना लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे से तो बहुत बायोलॉकलिकल एड भी आपका हटा दिया पूरा पोर्शन है ना तो बचता ही क्या उस चैप्टर में पहले वो चैप्टर बहुत छोटा था तो सिमिलरली ये चैप्टर्स में से ऑलरेडी एक एक एरिया ही था जहां से क्वेश्चन आता था और अब तो हंड्रेड श्योर हो गया कि वहीं से आएगा अगर नया एनसीआरटी का पैटर्न एनटीए फॉलो करता है तो हमने क्या देखा वायरस की डिस्कवरी होनी थी प्लांट को हो गई जी डिसीज, डिसीज का नाम था टबैको मोजैक डिसीज किसको हुई थी तंबाकू के पौधे को तंबाकू के प्लांट को टबैको प्लांट को ही डिसीज हुई थी होता क्या था लीव्स के अंदर ना मोजैक पैटर्न बन जाता है अलग अलग जैसे का पैटर्न बन जाता है पूरी ग्रीन लीफ रहती नहीं है अब डिसीज है तो साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा कि कौन कर रहा है कौन सा पैथोजन कर रहा है क्योंकि ट्रीटमेंट भी तो देना पड़ेगा वरना तो फसल खराब हो जाएगी तो उन्होंने उस प्लांट पे स्टडी किया उसका फ्लूइड निकाला देखने के लिए कि आखिर ये डिसीज करता कौन है तो किसने ये जिम्मा उठाया था डीजे एवेनोस्की ने उन्होंने इस फ्लूड को निकाला स्टडी करने के लिए कि आखिर ये क्या चीज है जो कि डिसीज कर रही है अब पहली चीज साइंटिस्ट के दिमाग में आती है बैक्टीरिया होगा क्योंकि तब तक वायरस का कुछ अता पता ही नहीं था और कुछ छोटी सी चीजें जो इन्फेक्शन कर रही है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज्यादा ज्यादा से जादा क्या होगा बैक्टीरिया होगा तो भाई एवेनोस्की को लगा कि बैक्टीरिया होगा क्या बात है कोई बात नहीं कोई नया बैक्टीरिया हमको मिला है नाम हो जाएगा पता करते हैं कौन सा बैक्टीरिया जिसने डिसीज किया लेकिन जब वो उस इंफेक्शन करने वाले पैथोजन को उन्होंने पास किया थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर इन्होंने इस इन्फेक्शन कोसिंग एजेंट को मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे जो भी ये इन्फेक्शन कर रहा था उस इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट को पास किया पास किया थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर बैक्टीरिया फिल्टर मतलब बैक्टीरिया फिल्टर मतलब जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर एक बीकर है बेटा बीकर पर मैंने इस तरीके से एक फिल्टर लगाया जैसे चाय पत्ती वाली छन्नी नहीं होती बिल्कुल वैसा फिल्टर है जाएगा। क्योंकि फिल्टर का पोर इस तरीके से रखा है कि बैक्टीरिया उसके ऊपर रह जाए है ना कि वो इतना छोटा है कि बैक्टीरिया उससे बड़ा हो और बैक्टीरिया ऊपर रह जाए ठीक है तो उन्होंने ये सेम इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट को लिया फ्लूइड को लिया और उस फ्लूइड को इन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर में से पास किया रिजल्ट क्या मिला बेटा इट पास्ड थ्रू इट इट पास्ड थ्रू इट अगर वो साइज में बैक्टीरिया जितना होता या बैक्टीरिया से बड़ा होता तो वो जो भी चीज ये कर रही थी वो यहां पे रुक जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस फ्लूइड के साथ ही इंफेक्शन कोज करने वाला एजेंट इस बैक्टीरिया फिल्टर में से पास हो गया जिससे क्या कंक्लूजन निकला जिससे ये कंक्लूजन निकला कि इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया इन साइज ये जो भी चीज है पहली बात तो ये बैक्टीरिया नहीं है दूसरी चीज ये बैक्टीरिया से साइज में पक्का छोटा है तभी ये बैक्टीरिया के फिल्टर को भी पास कर जा रहा है

पूरी बात नहीं पता पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता लेकिन उसके बाद तो तहलका मच जाएगा अलग अलग साइंटिस्ट डिस्कवरी करने लगेंगे उस जो भी इंफेक्शन करने वाला फ्लूड है उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप स्टडी करने लगोगे और ज्यादा आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा 1892 के बाद के बाद का नाम था एमडब्ल्यू बिजरीने 1892 के बाद 1898 साइंटिस्ट का नाम था एम डब्ल्यू बिजरीनेक ठीक है ये साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है बेटा सबसे पहले डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दोगे एवेनोस्की को उसके कुछ टाइम बाद 1898 नाइनटी एट एम डब्ल्यू बिजरीनेक इन्होंने क्या किया एक टबैको का प्लांट लिया जिसको डिसीज थी है ना डिसीज प्लांट लिया उनको पता था कि इसको टबैको मोजैक डिसीज है उसमें से इन्होंने फ्लूइड निकाला है ना फ्लूड निकाला और उस फ्लूड को इंजेक्ट कर दिया एक हेल्दी प्लांट में जिसको डिसीज नहीं थी बेचारा प्लांट एकदम खुश था हेल्दी प्लांट था उसको उन्होंने डिसीज प्लांट में से निकाला इंजेक्शन निकाला फ्लूड का और एक हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया और कुछ टाइम बाद इस हेल्दी प्लांट को भी डिसीज हो गई तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि हां फ्लूड के अंदर ही वो सारा का सारा इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट है और अगर मैं डिसीज प्लांट से इन्फेक्शन लेता हूं और हेल्दी प्लांट में डालता हूं तो उसको भी डिसीज हो जाती है इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहां से क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट का क्या नाम था कंटेजियम वाइवम फ्लूडम कंटेजियम वाइवम फ्लूडम कि एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड है वो इन्फेक्शियस फ्लूड लिविंग है दूसरी बॉडी में जाकर वो जिंदा हो जाता है और दूसरी बॉडी में भी डिसीज करता है वो मरा हुआ नहीं है तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कॉन्टेजियम कॉन्टेजियस है डिसीज कर पा रहा है वाईव लिव, लिविंग है और फ्लूइड है तो इसका क्या मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड लिविंग

टर्म वायरस ये जो टर्म वायरस यूज करना है ये नाम जो वायरस यूज करना है ये क्रेडिट भी आप एमडब्ल्यू बिजरी ने को देते आपको पूरी स्टोरी याद नहीं करनी आप टीचर नहीं हो आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्कवरी किस में हुई थी टबैको प्लांट में हुई थी टबैको प्लांट को कौन सी डिसीज हो रही थी टबैको मोजैक वायरस नाम की डिसीज हो रही थी किसने डिस्कवरी करी डीजे एवेनोस्की ने ईयर क्या था 1892 1898 में एक साइंटिस्ट आए बिजरिन क्या काम था स्टेटमेंट दिया कॉन्टेजियम यानी लिविंग फ्लुइड और टर्म वायरस भी इन्होंने दी इसके बाद इसके बाद आपके पास आते हैं आपके पास आते हैं 1935 में ये जो आपके पास थे एमडब्ल्यू इसको उल्टा कर दो डब्ल्यू एम पूरा नाम क्या था डब्ल्यू एम स्टैनली डब्ल्यू एम स्टैनली इनका सिर्फ इतना काम है जो कि आपको याद रखना है इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था उस लिविंग इन्फेक्शन फ्लू में से जो है वायरस को क्रिस्टलाइज किया था इनर्ट क्रिस्टल्स प्रोटीन की कवरिंग इनको भी ऑप्टेन हुई थी तो इन्होंने क्रिस्टलाइज करने का काम किया था इन्होंने उस वायरस को क्रिस्टलाइज करके जो है प्रोटीन क्रिस्टल्स ऑप्टेन किए थे बस इतना आइसोलेट किया था है ना क्रिस्टलाइज किया था आइसोलेट किया था ये काम इनका था बस इतना आपको याद रखना है अच्छा सबसे पहले डिस्कवरी किसमें हुई टोबैको मोजैक वायरस तो टोबैको मोजैक वायरस कैसा दिखाई देता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तो कैसे दिखाई देगा भाई वायरस है है सीधी सी बात है, बाहर एक प्रोटीन कोटिंग होगी अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा तो हमने देखा कि उनके स्ट्रक्चर में बाहर जो प्रोटीन कोटिंग है उसे आप कहेंगे कैप्सिड लेकिन इनका कैप्सिड बहुत सारे बहुत सारे जो है यूनिट्स का बना हुआ है जिन्हें आप क्या कहते हो कैप्सोमियर्स तो ये आपके पास क्या है बेटा कैप्सोमियर्स

वहीं मैं जेनेटिक मटीरियल की बात करूं टीएमवी में जेनेटिक तो प्रेजेंट था।, हेलिकल था।, हेलिकल था, हेलिकल था, हेलिकल था खुद के ऊपर भी मुड़ा हुआ था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट था अब दोबारा से सुनो अच्छे से सुनो अक्सर वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एक्सेप्शन क्या है कॉलीफ्लारोजैक वायरस उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनिमल को जो इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है लेकिन रेट्रो राइनो मीजल पोलियो करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बैक्टीरियो फेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है और टीएमवी के पास सिंगल स्टैंडर्ड आर प्रेजेंट होता है ये बात याद रखनी है तीन साइंटिस्ट याद रखने हैं 1892 डिस्कवरी करी थी 1898 नाइनटी कॉन्टेजियम वाइव फ्लूडम और टर्म वायरस उन्होंने दिया था 1935 डब्ल्यूएम डब्ल्यू एम स्टैनली क्रिस्टलाइज करने का काम किया था बस इतना आपको वायरस के बारे में याद रखना है यहां पर वायरस हो जाता है खत्म अब आता है वायरोइड्स आई बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हमको जाना नहीं है इस नाम का मतलब समझो वायरोइड्स वायरोइड्स का क्या मतलब होता है बेटा ये दो चीजों का मिलकर बना है एक वायरस और एक ओइड जब जब ये ओइड वर्ड यूज होता है ना इस ओइड वर्ड का मतलब होता है अलाइक अलाइक मतलब पूरा सेम नहीं है पर सिमिलर है इसीलिए वायरोइड वर्ड का मतलब होता है वायरस लाइक -like. अब ये पूरा वायरस तो नहीं है बट वायरस जैसा है अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई जब तक ये कोई डिसीज नहीं करेगा कोई सिम्टम नहीं आएंगे किसी चीज की डिस्कवरी नहीं होती जब तक उस तंबाकू के पौधे में आपको वो मोजाक पैटर्न नहीं मिला था तब तक वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई थी सिमिलरली वायरोइड ने एक डिसीज करी थी किस में करी थी आलू में करी थी कौन सी डिसीज करी थी वायरोइड ने डिसीज का नाम हमारे पास आता है पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज क्या नाम आता है हमारे पास पटेटो स्पिंडल टूबर डिसीज अब ये डिसीज उसने करी पटेटो के अंदर करी तो डिस्कवरी करनी पड़ी डिस्कवरी करी किसने बेटा साइंटिस्ट का नाम क्या है टी ओ डी और आपके पास आएगा, 1971. Again, very important. ठीक है? ये डिसीज हो रही थी स्टडी किया एक साइंटिस्ट ने तो उन्हें पता चला कि कोई नया ऑर्गेनिज्म उन्हें कैसे पता चला है कोई नया ऑर्गेनिज्म वायरस जैसा नहीं है बेटा ये वायरस से भी साइज में छोटा था इट वॉज स्मोलर देन वायरस ये वायरस से भी साइज में छोटा था और वायरस कम से कम दो चीजों का तो मिलकर बना होता है बाहर एक प्रोटीन कोट होता है अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है अब तक तो, तो इतना समझ गए हो दो चीजों का मिलकर बना होता है बट वायरोइड में तो ये दो चीजें भी नहीं प्रेजेंट थी जब हमने वायरॉइड को देखा उसके अंदर सिर्फ एक लो मोलिक्यूलर वेट का एक लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए था बस जेनेटिक मटेरियल फिक्स था आरएनए था पर सिर्फ आरएनए था इनके पास तो प्रोटीन कोट भी एबसेंट होता है इनके पास तो प्रोटीन कोटिंग भी एबसेंट होती है बेटा कम से कम वायरस के पास दो चीजें तो थी यहाँ पर दो चीजें भी नहीं थी सिर्फ एक लो मोलिकुलर वेट का आर था जो कि डिसीज कर रहा था इसको कहा गया वायरोइड साइंटिस्ट का नेम याद रखना डिसीज कौन सी करता है याद रखना साइज में वायरस से छोटा है और लो मोलिकुलर वेट का आर है बस इतना आपको याद रखना है वायरोइड के बारे में वायरोइड से थोड़ा सा आगे आए तो एक नए ऑर्गेनिज्म हमारे पास आए प्रियोन ये और भी खतरनाक थे यहां आपको साइंटिस्ट का नेम याद नहीं रखना यहाँ साइंटिस्ट का नेम नहीं आता और आपको याद भी नहीं रखना बस इतना याद रखना है कि ये भी डिसीज करेंगे ऑफकोर्स ये भी डिसीज करेंगे तो ये जो डिसीज कर रहे थे कौन सी डिसीज करी है इन्होंने बी एस ई बी एस ई यानी ओविन बोविन स्पॉन्जी फॉर्म एंड सिफिलोपैथी ठीक है बी एस सी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इसको मैड काउ डिसीज़ भी कहते हैं ये किसी प्लांट में नहीं हुई है ये डिसीज ये एनिमल में हुई है काउज में हुई है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है याद रखना प्रियोन्स अक्सर जो डिसीज़ करते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही करते हैं कोऑर्डिनेशन हिल जाएगा बैलेंस नहीं बन पाएगा मोटर एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी ठीक है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी मिल्किंग uh, अच्छी नहीं होगी बॉडी uh, की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उससे आने वाले फर्दर सिम्टम्स सभी इसी चीज़ में तो कॉमन फॉर्म यूज़ कर लेते हैं मैट काउ डिसीज क्योंकि वो लंगड़ा रही है ना बॉडी जर्क कर रही है ढंग से चल भी नहीं पा रही है बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रही है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्योंकि न्यूरॉन एंड एसोसिएटेड एरिया अफेक्टेड है अब है क्या ये चीज प्रियो तो ये भी वायरस का ही भाई बंधु है वायरस में दो चीजें होती है बाहर प्रोटीन कवरिंग होती है अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है प्रियोन के पास सिर्फ प्रोटीन है कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है पी से प्रियॉन पी से प्रोटीनशियस तो ये एक एजेंट है जो कि डिसीज कर रहा है और सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है बेटा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट इसके लिए टर्म यूज किया जाता है अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कुछ नहीं है एक नॉर्मल प्रोटीन भी नहीं है आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है जो सही से फोल्डिंग नहीं है उसकी फोल्डिंग अबनॉर्मल है तो वो अबनॉर्मल एक्टिविटीज कोस करेगा जाकर है ना ग भी बना लेता है ये चीज रिसर्च रिसर्च के अंदर आगे जाकर पढ़ाई जाती है आपको इतना नहीं पढ़ना है आपको इतना जानना है सिर्फ आर एन है लो मोलिकुलर वेट का तो वो वायरोइड है अगर एक अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो कि डिसीज कर रहा है कुछ भी नहीं है बेटा सिर्फ प्रोटीन है तो आप उसको प्रियंस कहते हैं डिसीज क्या कर रहे हैं मैट गाउ डिसम एफलोपैथी इसका एक एनेलोग वेरिएंट के बारे में बताया हुआ है मतलब इसका एक सिमिलर वेरियंट है प्रियॉन जैसा जो कि हमारे अंदर डिसीज करता है और हमारे अंदर ये कौन सी डिसीज करता है क्राउन जेकॉब सिंड्रोम क्राउन जेकॉब सिंड्रोम दोनों नाम एनसीआरटी में है तो आपको ये डिसीज के दोनों नाम बच्चे अच्छे से आने चाहिए एक बोविन पंजीफॉम एनसेफ्लोपैथी होगी जिसे मैट काउिज कहते हैं और क्राउन जेकॉब सिंड्रोम जो हम ह्यूमस में होता है इसका ये वेरिएंट हम ह्यूमंस के अंदर डिसीज कॉस करता है कौन सी डिसीज करता है क्राउन जेकॉब सिंड्रोम है क्या कुछ नहीं सिर्फ एक अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, है। वायरस में दोनों चीजें हैं वायरोइड में सिर्फ आरएनए है ए प्रियोन में सिर्फ प्रोटीन है ये चीज क्लियर होती है अच्छे से ये चीज क्लियर होती है अच्छे से लास्ट में हमारे पास आते हैं लाइकन लाइकन क्या है कोई एक अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जो जन्मों जन्मों का साथ लेकर आइए जिएंगे तो साथ जिएंगे मरेंगे तो साथ मरेंगे ये दो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक साथ ही सर्वाइव कर सकते हैं इन्हें अलग अलग कर दोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लाइकन के अंदर ये दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं एक आपके पास आते हैं एलगी और दूसरे आपके पास आते हैं फंगस ये दोनों मिलकर इनके एसोसिएशन को आप क्या कहते हो कहते हो एलगी जो वर्ड है उसके साथ एसोसिएटेड होता है बेटा फाइकोबायोट है ना इसके साथ जो वर्ड एसोसिएटेड है फंगस के साथ इट इज माइकोबायोड इसे फाइकोटा और माइकोटा भी कहते हैं एनसीआरटी ने फाइकोबायोट लिखा है बट इसको फाइकोटा और इसको माइकोटा भी कहते हैं अगर ये दोनों साथ रह रहे हैं तो इन्होंने डेफिनेटली डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है फंगस कह रही है आधा काम मैं कर लूंगी एलगी कह रही है आधा काम मैं कर लूंगी फंगस क्या करती है बेटा दूर दूर से वाटर और मिनरल सॉइल के अंदर पूरा फैल जाएगी वाटर मिनरल्स कलेक्ट कर 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 ला कर किसको देगी एलगी को एलगी फोटोसिंथेटिक है एलगी इन चीजों का इस्तेमाल करेगी और खाना बनाकर देगी किसको फंगस को तो अच्छा खासा लेना देना है अच्छा खासा को डिपेंडेंसी दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी फंगस क्या का काम रहता है फंगस का क्या काम रहता है इट प्रोवाइड्स वाटर मिनरल शेल्टर वाटर मिनरल जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसको ला कर देगा बदले में एलगी क्या करेगा फूड देगा बदले में एलगी क्या करेगा फूड बनाकर इसको देगा और आपस में दोनों असोसिएटेड ये जर्नी अपनी तय कर लेते हैं लाइक आर अ वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर पोल्यूशन में भी स्पेसिफिकली बताया जाता है किसको इंडिकेट कर सकते हैं एसो टू अगर किसी एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है आप वहां लाइकन उगाने की कोशिश कीजिए कभी नहीं उगा पाएंगे लाइकन एसो टू को लेकर सेंसिटिव होता है एसओ टू को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है अगर आप एरिया में देख रहे हो कि लाइकनस की डेथ हो रही है इसका मतलब उस एनवायरमेंट में एसओ टू बहुत ज्यादा हो रहा है तो इट इज अ वेरी नाइस पोल्यूशन इंडिकेटर इसको इकोलॉजी का क्वेश्चन बनाकर वहां पर भी पीवाई क्यू में पूछा जाता है दिमाग ही अपना इस तरीके से रखो थ्योरी पढ़ते वक्त कि क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आए कि अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है सिमिलरली एलगी और फंगस uh, पे अगर क्वेश्चन आएगा तो फाइकोटा और माइकोटा पे क्वेश्चन सकता है उतना हमको पता होना चाहिए और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है अब क्वेश्चन देखिए 2020, 2017, 19 में दो बार आया था ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए और इस चैप्टर में यही टॉपिक है जो कि कई बार रिपीट होता दिखा है टू के बाद खैर नहीं हुआ है बट अगेन आने के चांस है अगेन आने के चांस है क्योंकि नहीं आया तीन टाइम से और अब आगे कुछ चैप्टर्स में से तो टॉपिक कम ही भी कम हो जाएंगे तो यहाँ से आने के चांस बढ़ जाते हैं तो ये तो हमको पढ़ के रखना ना इसलिए हमने पढ़ के रख लिया क्वेश्चन देखो कितने सिंपल है आपसे पूछा इनमें से क्या चीज वायरोइड्स के बारे में एकदम करेक्ट है वायरोइड्स हमारे पास क्या होते हैं इनके अंदर आरएनए और प्रोटीन कोट दोनों होता है सिर्फ आर एन ए होता है कोई प्रोटीन कोट नहीं होता ये बात ठीक है वायरोइड्स के पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता विद प्रोटीन कोट हो नहीं सकता विदाउट प्रोटीन कोट है पर डीएनए नहीं होता आर एन ए लो मॉलिकुलर वेट का आर एन ए होता है और कोई प्रोटीन कोट नहीं होता आंसर होगा बी आंसर होगा बी आगे देखो जरा ये क्वेश्चन 2019 में है हमारे पास है ना क्या क्वेश्चन था मैड काउ डिसीज जो कैटल्स को हो जाती है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है हमें पता है ये प्रियोन करता है प्रियोन में क्या जेनेटिक मटीरियल है आर एन ए या डी एन ए जैसा कोई जेनेटिक मटीरियल है नहीं ये डिसीज प्रियॉन करता है प्रियॉन क्या है अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है आंसर क्या होगा बी इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ये आएंगे तो साइंटिस्ट uh, बेस्ड भी आपके पास आ सकते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको इनकरेक्ट बताना था प्रियॉन्स क्या होते हैं अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं ठीक बात है वायरोइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता बिल्कुल ठीक बात है सिर्फ लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं बिल्कुल ठीक बात है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस प्रोटीन कोट वायरस के अंदर जो चीज इन्फेक्शन करती है क्या वो बाहर का प्रोटीन कोट है नहीं बेटा प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है इन्फेक्शन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है वो जाकर रेप्लीकेट करता है तो ये इनकरेक्ट है बाकी सब करेक्ट है ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या हम इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एक और टॉपिक आज आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अगर आप सच में डिसिप्लिन से रेगुलरिटी से ये टॉपिक मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि हर टॉपिक के साथ आप अपने चार मार्क्स गारंटी कर रहे हैं जो बच्चे यहाँ पर लेजीनेस करके या फिर अभी वो डिसिप्लिन ना

हम अपनी तरफ से ऑल राउंडेड मेहनत कर रहे हैं आपको टॉपिक्स पहुंचाने की आपको भी वीडियोस देखना है अपने कमेंट्स लिखने हैं और अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग हम कल भी मिलेंगे टेंशन मत लेना संडे है तब भी मिलेंगे कोई छोटा सा टॉपिक करेंगे पर जरूर मिलेंगे और अपने आपके चार मार्क्स फिर से गारंटी करेंगे कीप लर्निंग एन टूमोरो